मंजूरी दे दी है। लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। इस बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 50 सालों से बेहतर और स्मार्ट पुलिसिंग के लिए पुलिस आयुक्त प्रणाली की मांग की जा रही थी, हमारी कैबिनेट ने यह प्रस्ताव पास कर दिया है। आपको बता दें कि आलोक सिंह को नोएडा का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है, जबकि सुजीत पांडे को लखनऊ का कमिश्नर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की देश से आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुलिस सुधार का सबसे बड़ा कदम आज हमारी सरकार ने उठाया है। पिछले 50 वर्षों से बेहतर पुलिसिंग के लिए, स्मार्ट पुलिसिंग के लिए, कानून व्यवस्था के सुदृढ़ और सुरक्षा की बेहतर स्थिति के लिए जो एक मांग उत्तर प्रदेश के अंदर की जा रही थी, पुलिस आयुक्त प्रणाली की वजह बताते हुए प्रसन्नता है कि आज हमारी कैबिनेट ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ और प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में विख्यात नोएडा, इन दोनों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का अभी यह प्रस्ताव पास किया है। यह पुलिस सुधार के लिए समय समय पर विशेषज्ञों के द्वारा जो प्रस्ताव दिए गए और जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे, जिस पर समयबद्ध ढंग से कार्रवाई न होने से न्यायपालिका हमेशा सरकारों को कटघरे में खड़ा करती थी, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ये वर्षों से इस बात को महसूस किया जा रहा था कि पुलिस आयुक्त की प्रणाली यहां पर भी लागू की जानी चाहिए। पुलिस एक्ट के अंतर्गत भी 10 लाख से ऊपर की आबादी के नगरीय क्षेत्रों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव और प्रदेश के अंदर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के लिए कदम उठाने की जो एक इच्छा शक्ति दिखनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं उसको नजरअंदाज किए जाने का परिणाम था कि इतने वर्षों तक यह कार्य नहीं हो पाया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के इन दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुलिस आयुक्त प्रणाली को अपनी स्वीकृति दी है, जिसमें लखनऊ अगर 2011 की आबादी के हिसाब से हम लखनऊ महानगर की आबादी को देखें तो यह 29 लाख से अधिक है, यानी आज के दिन पर 40 लाख की आबादी लखनऊ शहर के अंदर निवास करती है। और नोएडा के अंदर अगर हम 2011 की जनसंख्या के अनुसार देखें तो 16 लाख से अधिक की आबादी नोएडा में निवास करती है। वर्तमान में अगर हम देखें तो लगभग 25 लाख के आसपास नोएडा के अंदर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा का ये पूरा जो जनपद गौतम बुद्ध नगर जनपद है, ये पूरा का पूरा इससे कवर होता है। 25 लाख की आबादी वहां पर आज के दिन पर निवास कर रही है। इस आयुक्त पुलिस आयुक्त प्रणाली में लखनऊ सिटी को, जो पिछले कैबिनेट में नगर निगम के विस्तार के बाद आगे बढ़ा है,
इसमें कुल 38 थाने थे, जिसमें दो नए थाने हम लोगों ने बढ़ाए हैं। कुल 40 थाने मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में इसको मान्यता देते हुए पुलिस आयुक्त प्रणाली के लिए हम लोगों ने उपयुक्त माना है। पहली बार हम लोग इन सभी क्षेत्रों में यह व्यवस्था देने जा रहे हैं कि स्मार्ट एंड सेफ सिटी के रूप में इन शहरों को विकसित करने के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, खासतौर पर एक महिला एसपी रैंक की अधिकारी को यहां पर महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल तैनाती दी जा रही है। जो महिलाओं से संबंधित अपराधों, महिला अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने और महिलाओं के साथ होने वाले या बालिकाओं के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने और उन अपराधों की समय पर विवेचना हो, चार्जशीट दाखिल हो और फिर समय पर प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाया जा सके, इस दृष्टि से एक महिला एसपी रैंक की अधिकारी और एक एडिशनल एसपी रैंक की अधिकारी महिला इन पुलिस आयुक्त प्रणाली वाले जो हमारे नए क्षेत्र बन रहे हैं इन पे तैनात करने का निर्णय लिया है।